अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी रेसिपी। और सबसे पहले जो है अल्लाह का नाम शुरू करके इस तकरीब का हम आगाज़ करते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन कौरमा, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी आज। अब हम इसमें 3 चम्मच ऑयल के डालेंगे। प्याज हमने काट दी है, इसको हम ब्राउन करेंगे। बाकी मैंने तो हंसते ज़रूर डाल दिया, बाकी आपको जैसा लगे। आप लोग कम ऑयल खाते हैं या दरमियाना या तेज या ज़्यादा, तो आप अपने मुताबिक डाल दीजिए। ये रेड हो रही है, ये अब लाल हो गए हैं। इसमें हम अदरक 3 से 4 हरी मिर्चें लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी आप लोग खाते हैं उसके मुताबिक। अदरक लहसुन का पेस्ट तो सारा इसमें करके चूल्हा बंद कर दिए। और अब इसी में टमाटर, और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। चिकन डालेंगे रोस्ट होने के लिए। हाफ चम्मच हसबे ज़रूरत आपने इसमें नमक डाल देना है। हाफ चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे, और 1 चम्मच हम इसमें कुटी मिर्च डालेंगे। और जो मैं खाना बनाती हूँ ना, ये बड़ा सिंपल है। जिन बच्चों को घर में बनाना नहीं ना आता, वो बड़े आसानी से जो है ना ये पका सकेंगे। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। Few minutes for iftari. After roza time. Haldi, sukha dhaniya, kali mirch, lal mirch. Ab ye hamara roast ho chuka hua hai. Isme hum dalenge 1 chamach sukha dhaniya hasbe zarurat. थोड़ी सी हल्दी, चम्मच लाल मिर्च, और आधी चम्मच काली मिर्च कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो रहा है। हम इसमें दही डालेंगे। दो चम्मच हम रोस्ट करेंगे दही डाल के। अब हम इसमें ये प्याज अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट ग्राइंड हुआ इसमें डाल देंगे। इस साथ साथ हम सफाई भी रख रहे हैं नीटनेस। और ये मैंने सैलड बनाया है कौरमे के साथ, जैसे कि मेरी फैमिली को पसंद है, मेरे मियाँ साहब को। और
अब कोरमा भी बस हमारा नीट हो रहा है, ये साथ साथ नीट भी हो गया किचन और साथ साथ हमारा। ये देखिए अब हम इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा हम इसको फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो रहा है। अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। अब हम रोटी बनाएंगे। सलाद हमारी बन चुकी है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अब इसने अपना ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा कोरमा तैयार हो जाए। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे हसबे ज़रूर आधा चम्मच। अब हम रोटी बनाएंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार है। चलो जी यहीं पे हम अपने ब्लॉग का एंडिंग करते हैं। अगर पसंद आए लाइक करें और कमेंट्स पास करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।